नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा के अंतर्गत पाठ क्रमांक 3 है संगठन, इस पाठ का वाचन मैं आपको करके बता रहा हूं। तो आप संगठन इस शीर्षक से ही आप अवगत हो गए कि इस शीर्षक में क्या दिया गया है। संगठन अर्थात संगठन से क्या होता है, एकता में शक्ति होती है। तो इस पाठ में देखिए, इसका सारांश मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूँ। एक बार एक चिड़िया के घोंसले को घमंड हो जाता है। वह चिड़िया से अकड़ कर कहता है कि उसके दम पर ही वह अपने बच्चों के साथ मज़े से रहती है। चिड़िया घोंसले को समझाती है कि उसने ही तिनके जोड़ जोड़ कर उसे बनाया है, यदि यह उसे ना बनाती यदि वह उसे ना बनाती तो वह तिनकों के रूप में बिखरा होता। यह सुनकर घोंसले का सिर शर्म से झुक जाता है। तो इस पाठ के माध्यम से चिड़िया और घोंसले के वार्तालाप को बताया गया है कि संगठन में कितनी शक्ति होती है। चिड़िया जो है यह घोंसले को बताती है कि तेरे तिनके जो हैं इधर उधर तो बिखरे पड़े थे, मैंने उन बिखरे हुए तिनकों को इकट्ठा करके घोंसले का निर्माण किया है। तो इसी तरह से हमें इस पाठ के माध्यम से संगठन की भावना को सीखना है। तो आइए लीजिए आप इस वीडियो के माध्यम से संगठन इस पाठ का वाचन सुनिए। देखिए, ये चिड़िया है और ये चिड़िया के घोंसले के अंदर दो अंडे हैं और यह वृक्ष दिखाया गया है और वृक्ष पर घोंसले के अंदर दो अंडे हैं। और देखिए यहाँ अब घोंसला जो है, यहाँ घोंसला चिड़िया से कहता क्या है, चिड़िया और घोंसले का वार्तालाप इस चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो आइए लीजिए इस पाठ का वाचन आप सुनिए। पता नहीं क्यों एक बार चिड़िया के घोंसले को इस बात का घमंड हो गया कि वह चिड़िया और उसके अंडों को शरण देता है गर्मी सर्दी बरसात में उनकी रक्षा करता है। उसी के कारण चिड़िया और उसके बच्चे तीनों मौसम में आराम से रहते हैं। शाम को चिड़िया जब लौटी तो घोंसले ने बहुत अकड़ कर कहा, तू और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मज़े से रहते हैं, अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छिपाने के लिए जगह भी ना मिलेगी। देखिए घोंसला अकड़ कर चिड़िया से इस तरह से वो कहता है कि तुम और तेरे बच्चे मेरे ही दम पर यहाँ मजे से रहते हैं, अगर मैं अपने तिनके इधर उधर बिखेर दूँ तो तुम सब बेघर हो जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें सिर छिपाने के लिए भी जगह ना मिलेगी। इसकी घोंसले की इन बातों को सुन करके देखिए चिड़िया क्या कह रही है घोंसले से। चिड़िया मुस्काने लगी और समझाती हुई बोली, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक कहता है, लेकिन एक बात तू भूल गया, तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो
तो स्वयं मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे, मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है, अगर मैं तुझे ना बनाती तो तेरा यह स्वरूप, तेरा यह रूप ना होता। तू इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता, देख भाई घमंड ना कर। शक्ति बिखरने में नहीं इकट्ठा होने में है। घोंसले का सिर शर्म से झुक गया, उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया, वे सब फिर मजे से रहने लगे संगठन की भावना से। तो इस चिड़िया और घोंसले के वार्तालाप द्वारा हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें अपने जीवन में संगठन की भावना को अपनाना चाहिए। अर्थात संगठन की भावना से ही हमारा क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है। हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। संगठन को ही जीवन में क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप संगठन की भावना से अपने जीवन को यापन करिए और इस पाठ का वाचन करिए, श्रवण करिए, तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद सभी को।